हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आज नारायण यादव सभी लोगों को फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहा है और आज मैं देख सकते हैं ए रेक, तो आज सारे माल को आज हम खोलेंगे क्योंकि 3-4 महीने से खोले नहीं हुए। ऐसे ही माल लाते हैं, कम होता है बेचते हैं, कम होता है तो इसी में ऐड कर लेते हैं, लेकिन कभी झारा नहीं है। लगभग 4-5 महीने चलते हैं, सबको अच्छे से खोलेंगे, खोल करके और फिर से अच्छे से सरिया सरिया करके फिर बांधेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के लिए सारे को खोलते हैं और फिर से बांधना स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब इसको उठा करके और वहाँ पर रखेंगे चौकी पर, उसके बाद में सारे को खोल करके जो है ना वो चौकी पर रखेंगे या फिर सबको अच्छे से बांधेंगे। चलिए इसको उठा करके लेकर चलते हैं वहाँ पर। काफी भारी है दोस्तों, लगभग 40 किलो वजन हो रहा है इसका, बहुत का भारी। चलते हैं, सबको खोल लेते हैं बारी बारी से। इधर से खोलना स्टार्ट करते हैं। एक साइड का दोस्तों खोल लिया इधर का, और इस साइड का और इस साइड का, दो साइड का खोलने का है। तो सारे को खोल लिया, अभी दिखाते हैं इस तरह का। ये पूरा हमारा खुल गया, कितना छोटा है, बांधने पर कितना बड़ा हो जाता है देख सकते हैं, पूरा भर गया देख सकते हैं। ये पूरा
इतना उतार दिए, इतना सब उतार दिए, फिर भी ये बहुत वजन है, 10 किलो लगभग वजन इसमें होगा। क्या क्या है दिखाते हैं। ये टी शर्ट है सियान का, 10 साल का। इधर लुंगी है, ये वाला ब्लेजिज है, ये में ब्लूमर है अच्छा वाला। इधर टी शर्ट है लगभग 8 साल से लेकर सियान तक, 2 पनी की। इधर बंडी सेट है और इधर स्ट्रेट पैंट है, देख सकते हैं स्ट्रेट पैंट है। और ये प्लाजो है सूती में अच्छा वाला, सबको नीचे रखते हैं, जगह नहीं है निकालने के लिए। सारा माल को अभी खोल लिया, देख सकते हैं कितना आइटम है, पूरा भरपूर हो गया है। कपड़ा पे कपड़ा रखे हुए हैं टोटल आइटम, और नहीं रखाया है इस चौकी पे तो फिर नीचे रखा हुआ, देख सकते हैं। और इधर है, और इधर है, और कुछ आइटम इधर भी है। तो सारे को हम पूरा देख सकते हैं, इतना सारा सामान है। वो भी चलते हैं दोस्तों, आइस में देख सकते हैं कितना कचरा सा। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, ये सबको सारे को अच्छे से झाड़ लेते हैं, कितना कचरा है देख सकते हैं। लगभग 5-6 महीने के बाद झाड़ रहे हैं, 5-6 महीने के बाद इसको झाड़ते हैं पलटी करके। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना कैरेट निकल जाता है इधर से, चारों तरफ से जो है ना लोहा का एक कैरेट के हिसाब से बनाए हुए हैं, और इसको चारों तरफ से सपोर्ट है इसमें बांधने के लिए है, और बीच वाला ये देख रहे हैं छड़, ये सपोर्ट के लिए है। और दोस्तों ये जो है ना कैरेट के हिसाब से बनाए हुए हैं देख सकते हैं, और मैं पहले ही बांध दिया हूँ। और दोस्तों एक कैरेट निकाल भी सकता है इधर से, ये लकड़ी के बांधे हुए हैं, एक इधर से खोलना पड़ता है और एक इधर से, इसको खोल करके निकाल सकते हैं कैरेट को, और फिर इसको उसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्मा है कैरेट के हिसाब से देख सकते हैं, पहले ही मैं बांध लिया हूँ बांधने के लिए कपड़ा को। तो इस तरह से दोस्तों हम बांधे हुए हैं कपड़ा को बांधने के लिए, लालून वाला है ये, मजबूती होता है। तो इसको जो है ना एक बार ऐसे हिला करके खोलेंगे तो खुल जाएगा, इसलिए लालून का ही बांधते हैं। तो ये हमारा दोस्तों फर्मा है देख सकते हैं, इस प्रकार का मैं बनाया हूँ कैरेट के हिसाब से। बहुत सारे भाई को देखते हैं गोला में बनाया है और जाली लगा दिया है, तो आपको जैसा अच्छा लगे लगा बनवा सकते हैं। ये हमारा दोस्तों सारा कपड़ा है, गिनती करते हैं टोटल आइटम कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रकार का है दोस्तों, सारे को गिनती कर लिया। टोटल दोस्तों 55 से 60 प्रकार का टोटल आइटम है, और बहुत ज़्यादा है दोस्तों, भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है बांधने के बाद में। तो ऐसे हमको गाड़ी पर फेरी करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा भारी लगता है। देखते हैं दोस्तों सारे माल को अब सरिया लेते हैं, एक एक करके बांध लेते हैं अच्छे से गिन गिन करके, और सारे को बांध करके फिर रेडी करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे माल को अभी सरिया लिया देख सकते हैं, हो गया। अब इस कैरेट को वहाँ पे रखते हैं टेबल पर, चलिए इसको उठा करके ले चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रख लिया, भारी हो गया है काफ़ी। चलिए अभी दोस्तों हमने सरियाया हुआ हो गया, और बार बार सरियाते रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों मालूम पड़ता रहता है कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम है, कैसा है, ज़्यादा अगर ख़राब होने वाला है, बातें बातें मुरा जाता है तो ख़राब होने वाला है, तो उसको जल्दी जल्दी कम मुनाफा करके ही हटा देना, जल्दी से बेच देना ज़रूरी होता है, क्योंकि नया नया माल रहता है तो अच्छा रहता है। तो अभी हमने सारे सरिया लिया, और गम इधर भी हो गया है देख सकते हैं, झोला का भी हो गया, और गमछा 2-3 प्रकार का है, तो ये भी सरियाने का बाकी है। तो चलते इसको भी सरिया लेते हैं, और सरिया करके और फिर उसके बाद में गाड़ी पर लोड करेंगे। तो गमछा दोस्तों सरियाते हैं, सबसे पहले सूती वाला रखेंगे, ये नीचे वाला ये सूती है, 100-100 रुपये जोड़ा ही बिकता है, लेकिन अच्छे से सजाना पड़ता है क्योंकि देखने में अच्छा लगे।
ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा करके ऐसे यहाँ लेते, सूती वाला हो गया। उसके बाद एमिक्स वाला डालेंगे, एमिक्स में है मिक्स के बाद एक खादी वाला डालेंगे, हो गया। कितना पीस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, दो पीस और रखेंगे, 30 पीस इसको रहना है, दो पीस और डाल लेते हैं। ये वाला दो पीस डाल लेते हैं। गमछा भी सरिया लिया, नहाने जो नहान तो हम ओबे से हमरा डरे न नहा के तू जेबे तो काम से करे हम तना पर करे के के मुझे से नहा ले और होई तो नहा ले रही है, खाली रख दिए और कजरा में पानी पर चले। अब तो नहा घरे बांधो ना, कोई घर जारी नहा दे, भर भर ले भाई। तो खाली दोस्तों पूरी तरह से तैयार हो गया, देख सकते हैं, और पूरी तरह से बांध लिया, फेरी करने चलने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा? हमने पूरा अच्छे से सेटअप किया हूँ, खोल करके अच्छे से सरियाया हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।